हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटी सेशन लैब। मैं अवर्णा जायसवाल। आज मैं आपको बिग ब्लू बटन के कॉमन कस्टमाइजेशन के बारे में बात करते हैं कि कॉमन कस्टमाइजेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं। आपने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि ग्रीन लाइट के कस्टमाइजेशन के बारे में, तो ग्रीन लाइट के कस्टमाइजेशन के लिए आपको ग्रीन लाइट का जो इंस्टॉलेशन हुआ था बिग ब्लू बटन का, डॉकर मेथड से इंस्टॉल किया गया था, उसको ग्रीन लाइट को आप कस्टम मोड में चेंज किए थे, उसके बाद जाके आप ग्रीन लाइट का कस्टमाइजेशन कर पाए थे। लेकिन जो कॉमन कस्टमाइजेशन है, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आप जो डॉकर मेथड से आपको बिग ब्लू बटन को इंस्टॉल किया गया है, उसके जस्ट बाद आप कॉमन कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिग ब्लू बटन का कॉमन कस्टमाइजेशन। इस फाइल को हम चेंज करेंगे। इसमें ये ऑफलाइन को जो है अनकमेंट करना है, तो हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी अनकमेंटेड है, तो ठीक है। अब ये हमको होल्ड म्यूजिक में चेंज करना होगा कि म्यूजिक कौन सा इसमें करना होगा। उसके लिए इस फाइल्स को एग्जिट कर जाते हैं। उसके बाद इस फाइल में आ जाते हैं wire.xml। ये आपको फ्री स्विच कॉन्फ्रेंस ऑफ wires.xml में मिलेंगे। इंटर करेंगे, इसमें हम सर्च करते हैं एक यहाँ पे ये होल्ड म्यूजिक जो है, यहाँ पे हमको जो म्यूजिक हमको चेंज करना है वो बात यहाँ पे सेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अभी कोई भी म्यूजिक सेट नहीं है बाय डिफॉल्ट, तो आप यहाँ पे म्यूजिक चेंज करते हैं। इसमें इंस्टॉलेशन टाइम में ही काफ़ी बैकग्राउंड म्यूजिक और बहुत से म्यूजिक इंस्टॉल्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे सेट नहीं है, तो उसको हम सेट करते हैं। उसके लिए हमको यहाँ पे उसका पाथ सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी हम इससे एग्जिट कर लेते हैं। अभी हम फिर उस डायरेक्टरी का पाथ यहाँ पर सेट करेंगे। पहले हम आपको बता देते हैं कि इफ म्यूजिक फाइल्स कहाँ अवेलेबल होगी। आप यहाँ पे इसकी डायरेक्टरी में आ जाएंगे, ऑप्स फ्री स्विच शेयर फ्री स्विच साउंड एन इंटर करेंगे, और यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए कि काफ़ी म्यूजिक यहाँ पे अवेलेबल है इस डायरेक्टरी में। तो इसमें से कोई भी हमें म्यूजिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक म्यूजिक इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे म्यूजिक हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पर उस फाइल में हम ये म्यूजिक का नाम विथ पाथ के साथ हम सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम होल्ड म्यूजिक, यहाँ पे हम उस फाइल का नाम दे देते हैं, नेम और विथ पाथ के साथ। यस
यस, ये पूरा पाथ हमने सेट कर दिया वहाँ पे, और इसको सेव कर लेते हैं। और इस प्री स्विच को रिस्टार्ट कर देते हैं और बिग ब्लू बटन को अब रिस्टार्ट कर देते हैं। ये आप जानते हैं कि बिग ब्लू बटन का ये है इसे रिस्टार्ट करने का, इसे रिस्टार्ट कर देते हैं। और जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, ऐड ए फोन नंबर इन बिग ब्लू बटन फॉर कॉन्फ्रेंस ब्रिज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये बिग ब्लू बटन जो है ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेब मीटिंग के लिए दोनों के लिए अवेलेबल है। आप एज ए ऑडियो कॉल भी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं, तो उसके लिए जैसे ओवर द फोन पे भी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है। उसके लिए आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से एक नंबर लेना पड़ेगा, सिप नंबर लेना पड़ेगा, जो कि आप वो यहाँ पे बिग ब्लू बटन में कन्फिगर करेंगे और उसको उसके बाद उसका एक डायल प्लान क्रिएट करना होगा। तो यूजर जिसको इनवाइटी होगी, जिसको आप इनवाइट करते हैं ऑडियो कॉन्फ्रेंस के लिए, तो यूजर जो उस नंबर पर कॉल करेगा तो आपको एक अनाउंसमेंट सुनाई देगा। तो नंबर डायल करने के बाद अनाउंसमेंट आएगा और अनाउंसमेंट के बाद जो है पासवर्ड जो भी शेयर किया जाएगा, एक पासवर्ड शेयर किया जाएगा इनवाइटी को, तो वो पासवर्ड इंटर करेगा और जैसे ही पासवर्ड इंटर करता है तो वो कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर लेगा। तो सबसे पहले आपको एक आईएसपी से एक नंबर फ़ोन नंबर लेना पड़ेगा और सिर्फ फ़ोन नंबर, और एक उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक डायल प्लान क्रिएट करना होगा और कुछ चेंजेज करने होंगे जो कि आप फ़ोन नंबर के थ्रू भी ऑडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। उसके लिए आप सबसे पहले एक फाइल XML फाइल क्रिएट करते हैं। योर प्रोवाइडर हाइफन प्रोवाइडर XML करके नाम से एक XML फाइल क्रिएट करते हैं। यस, एक नया फाइल क्रिएट हो गया। इसमें ये एक सैंपल फाइल है। इस सैंपल फाइल को यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ये सैंपल फाइल मैं मेंशन कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे गेटवे नेम, एनी नेम ऑफ योर प्रोवाइडर, तो आप अपने प्रोवाइडर का नाम, जो भी प्रोवाइडर आईएसपी प्रोवाइडर होगा उसका नाम आप मेंशन कर देंगे। और यहाँ पे प्रोवाइडर अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट प्रोवाइडर अकाउंट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। प्रोवाइडर पासवर्ड जो आपका ईएसपी जो है पासवर्ड प्रोवाइड करेगा, और एक्सटर्नल डीआईडी भी, जो एक्सटर्नल फोन नंबर मिलेगा ये यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे। और ये जो है सिप एग्जाम्पल डॉट का एक यूआरएल भी प्रोवाइड होगा आपके ईएसपी की तरफ से, तो वो URL भी यहाँ पे चेंज कर देंगे और इसको फाइल को सेव कर लेंगे। तो अभी मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल के तौर पे कि आपको क्या क्या इसमें चेंजेस करने होंगे और इस तरह की फाइल आप क्रिएट कर लेंगे और ये और इसको सेव कर लेंगे। इसको जैसे मैंने सेव कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपको डायल
प्लान क्रिएट करना होगा। डायल प्लान क्रिएट करने के लिए एक और एक्स्ट्रा XML फाइल क्रिएट करनी होगी, जैसे यस आप इस लोकेशन पे जो है माई प्रोवाइडर डॉट XML नाम से एक फाइल XML फाइल क्रिएट करेंगे जहां पे आपको डायल प्लान क्रिएट करने होंगे। डायल प्लान के लिए एक सिंपल फॉर्मेट है, आप उसका यूज करेंगे, जैसे यस। तो ये है आपका सैंपल फाइल डायल प्लान क्रिएट करने के लिए। आपको सिर्फ एक माइनर सा चेंजेज करने होंगे और वो है ये एक्सप्रेशन एक्सटर्नल DID। यहाँ पे आपको वो एक्सटर्नल DID में वो नंबर आपको मेंशन करेगा जो आपको सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से फ़ोन नंबर मिलेगा, जाके आपने पिछले फाइल में हमने देखा होगा कि एक्सटेंशन मतलब एक्सटर्नल DID। तो यहाँ पे आप उस एक्सटर्नल DID नंबर तो फ़ोन नंबर को आप यहाँ पे चेंज कर लेंगे, यहाँ पे जो भी नंबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर का यूज करता हूँ, मैं एक सिंपल नंबर कोई ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक ये नंबर मैंने ऐड किया एक्सटर्नल DID जिसको हम फोन नंबर भी कहते हैं, जो मिलेगा आपको ISP की तरफ से। ये नंबर हमने यहाँ चेंज कर दिया और इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। इसके बाद जो है इस फाइल का जो है ओनरशिप चेंज करते हैं। सो यस जो ये फाइल है माई प्रोवाइडर उसकी ओनरशिप डेमन पे चेंज कर देते हैं, इसकी ओनरशिप एंटर कर देते हैं। ठीक, ये ओनरशिप चेंज हो गया। उसके बाद जो है फिर स्विच को रिस्टार्ट करते हैं। फिर स्विच रिस्टार्ट हो गया। उसके बाद एक छोटा सा और चेंजेस करने होंगे उसके लिए उसके लिए आपको बिग ब्लू बटन की प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। ये फाइल आपको मिलेगी यूजर शेयर बीबी वेब वेब INF क्लासेज और बिग ब्लू बटन प्रॉपर्टीज, इसमें आप आ जाएंगे, एडिट कर लेंगे। आप यहाँ पे एक्सेस नंबर वो नंबर आप मेंशन करेंगे जो सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से हमने डायल प्लान में यूज किया था और योर प्रोवाइडर की डिटेल में मेंशन किया था, वो चेंज यहाँ करना होगा। तो वो फाइल आपको मिलेगी, वो लाइन मिलेगी एक्सेस करके आप सर्च करेंगे तो आपको वो यस डिफॉल्ट डायल एक्सेस नंबर। तो डिफॉल्ट डायल एक्सेस नंबर जैसे कि मैंने चेंज कर रखा है या हो सकता है यही डिफॉल्ट आपको मिले भी, तो यहाँ पे आपको वो चेंज करना होगा। यहाँ पे आपको जो भी सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से जो फोन नंबर मिलेगा वो यहाँ पे आप चेंज कर देंगे। और उसके बाद आप जो है इसमें वेलकम मैसेज जैसे नंबर डायल करेंगे तो आपको IVR के थ्रू जो मैसेज मिलेगा वो मैसेज को भी चेंज करना होगा। उसके लिए आप एक इसमें सर्च करेंगे फुटर यस, तो इसमें डिफॉल्ट वेलकम मैसेज फुटर, तो डिफॉल्ट वेलकम मैसेज ठीक है। तो ये चीज ऑलरेडी टाइप है, अब जैसे आपको लिखा है कि वेलकम टू
कॉन्फ्रेंस नेम, कॉन्फ्रेंस का जो नाम होगा वो ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा, फॉर हेल्प यूजिंग यूजिंग बिग ब्लू बटन। आप मैसेज में आपको चेंज कर सकते हैं, बिग ब्लू बटन है इसमें, आप अपनी कंपनी का नाम भी मेंशन कर सकते हैं और इसमें अपना यूआरएल चेंज कर सकते हैं और इस तरह का। ज्वाइन द ऑडियो ब्रिज, और इसी में फुटर में भी दिस सर्वर इज रनिंग टॉप, तो यहाँ पे जो है आप वेलकम मैसेज को चेंज कर सकते हैं। या तो आप ऐसे ही एज इट इज छोड़ सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो अगर आप कस्टमाइज कर रहे हैं तो आप इसको मैसेज वेलकम मैसेज को चेंज कर सकते हैं और चेंज करके इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद अगर आपके इन्वायरमेंट है लाइन इन्वायरमेंट में या इस सर्वर में अपने फायरवॉल को कन्फिगर कर रखा है या एक्सटर्नली आपका इस आपके लोकल नेटवर्क में फायरवॉल है, तो जो ISP की तरफ से URL और या IP एड्रेस मिला होगा, SIP अगर SIP नंबर अगर फ़ोन नंबर दिया गया तो जाहिर सी बात है आपको आपको IP एड्रेस भी दिया गया होगा या आपको एक URL भी दिया गया होगा, तो वो फायरवॉल में अलाउ करना होगा। अगर आपने इस सर्वर में फायरवॉल आपने कन्फिगर कर रखा है तो ये आपको कमांड को रन करने पड़ेंगे और जिसमें से ये पोर्ट को अलाउ रखना पड़ेगा और ये IP एड्रेस जो है यहाँ पर IP एड्रेस में या URL जो अगर URL है तो या वैसे नॉर्मली वो IP एड्रेस ही देंगे, तो ये IP एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जो भी IP एड्रेस होगा यहाँ पे IP एड्रेस करके और इंटर कर देंगे। तो उसके बाद ये है आपका डायल प्लान क्रिएट हो जाएगा और इसके थ्रू आप जो है वेब कॉन्फ्रेंस ऑडियो वेब कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं थ्रू फोन नंबर। तो ये आपका कॉन्फ़िगर हो गया। उसके बाद क्या है, इसको करने के बाद आप एक बार बिग ब्लू बटन को रिस्टार्ट कर देंगे, bb-con --restart ये कमांड रन करेंगे और बिग ब्लू बटन को रिस्टार्ट कर देंगे। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करते हैं वह है प्रेजेंटेशन। जो जब हम वीडियो कोई भी मीटिंग ज्वाइन करते हैं या सेशन क्रिएट करते हैं तो एक डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन फाइल डिस्प्ले करता है, बिग ब्लू बटन का एक डिफॉल्ट फाइल में दिखता है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये फाइल जब आप वेब मीटिंग करते हैं तो ये एक डिफॉल्ट इस तरह की फाइल आपको प्रेजेंटेशन फाइल वहाँ पे दिखता है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कुछ नया पेज नया या PPT या PDF फाइल जो है क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे नया डाल सकते हैं जो कि ये जैसे कि कस्टमाइज कर सकते हैं इसको। तो इसके लिए आपको उसके लिए आप WinACP एक सॉफ्टवेयर यूज कर लीजिए और उससे आप अपने सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर लीजिए, सर्वर को कनेक्ट कर लीजिए और कनेक्ट यस तो आप वेरी वेर www-bigbluebutton-default इस डायरेक्टरी में आ जाएंगे और इस डायरेक्टरी में आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं default.pdf
defile.pptx। तो यहाँ पे ये फाइल को चेंज करके आप कोई भी आपके पास पीडीएफ होगी, आपके जो भी प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं वो फाइल यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल को रिप्लेस कर दीजिए तो जब भी आप न्यू मीटिंग क्रिएट करेंगे तो आपका नया अपलोडेड फाइल ही दिखेगी, आपको बिग ब्लू बटन वाला जो डिफॉल्ट होता है वो नहीं आएगा। और साथ में आप चाहे तो फेविकॉन आइकन को भी चेंज कर सकते हैं। फेविकॉन आइकन जैसे यस, तो ये जो आइकन दिख रहा है फेविकॉन आइकन, वो चीज आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना एक फेविकॉन छोटा सा क्रिएट करके और यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो फेविकॉन भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आपको इजीली जो है डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन फाइल को आप चेंज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिलीट रा डाटा। तो वो डाटा डिलीट करने की बात हो रही है कि जो आप सेशन क्रिएट करते हैं, प्रेजेंटेशन होता है, वेब कॉन्फ्रेंस होता है, तो बहुत से फाइलें प्रेजेंटेशन करते हैं और प्रेजेंट करते हैं, कुछ डिमोस्ट्रेट करते हैं, फाइलें अपलोड करते हैं, तो वो चीज़ें जो है टेम्प्रोरली वो स्टोर होते रहते हैं। तो उनका यूज ये होता है कि अगर एक्सीडेंटली वो डिलीट हो जाए तो आप उस डाटा को रिबिल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है कि ये आपके स्टोरेज में सेव होता रहता है। तो उसमें आप कंडीशन लगा सकते हैं कि इतने दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट होता जाए। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा चेंजेज करने होंगे एक फाइल में। जैसे क्रंच ऑफ डेली में बिग बुलेटिन के नाम से एक फाइल बनी होगी, उसको हम एडिट करेंगे और एडिट करने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे अनरिकॉर्डेड डेज और पब्लिश डेज, तो ये चेंज कर सकते हैं। पब्लिश डेज जो है, पब्लिश डेज है उसको आप 14 डेज, आप इसको कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपके डिपेंड करता है कि आपके इस सर्वर की स्टोरेज साइज के ऊपर। तो आप अपने हिसाब से इसको जितना दिन भी रखना चाहते हैं उसको करके और इस फाइल को आप सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद आप जो है बी ये कमांड चला देंगे सर्वर को, बिग ब्लू बटन को रिस्टार्ट कर देंगे, तो चेंजेज हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है, जो फाइलें प्रेजेंटेशन फाइल यूजर अपलोड करता है प्रेजेंटेशन करने के लिए, तो कुछ लिमिटेशन होती है कि कितने एमबी की फाइलें अपलोड कर सकती है। बाय डिफॉल्ट 30 एमबी की फाइल ही अपलोड कर सकते हैं, मैक्सिमम 30 एमबी की फाइल। अगर आपकी फाइलें 30 एमबी से ज़्यादा है तो अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको जो है कुछ चेंजेस करने होंगे कि आप लिमिट बढ़ा सकते हैं 30 एमबी से कहीं ज़्यादा, 200 एमबी साइज। तो उसके लिए पहले आपको NGINX फाइल में ही चेंज करने होंगे। NGINX फाइल में चेंज करने के लिए सबसे पहले उसकी फाइल को ओपन कर लेंगे, web.nginx फाइल को ओपन कर लेंगे और ओपन करेंगे, इसमें सर्च करेंगे यस। आप यहाँ पर देखेंगे लोकेशन वाले में,
क्लाइंट मैक्स बॉडी साइज 30 mm लिखा हुआ है। आप यहाँ पर 30 mm में आप जो भी साइज आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो है उतनी साइज आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो आप 60, 100, 200 MB की साइज आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, चेंज कर देंगे। इसके बाद एक जगह और भी चेंज करने होते हैं। यस, क्लाइंट मैक्स साइज 30 mm, अपलोड प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे भी आपको 30 mm जो लिखा हुआ उसको आप जो वहाँ पे चेंज करेंगे वही है। तो आप 30, 60 जो भी साइज है वही आप यहाँ पे भी चेंज करके इस फाइल को सेव कर लेंगे। उसके बाद जो है सेकंड लोकेशन, एक और लोकेशन है जो जहाँ पे आप चेंज करेंगे वो दूसरी फाइल ये है, बिग ब्लू बटन प्रॉपर्टीज। इसमें एडिट करते हैं उस फाइल में, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं अपलोड नाम से सर्च करते हैं। यस, तो आपको यहाँ पे मैक्स फाइल साइज अपलोड 30 MB। एक्चुअली ये जो है 30 बाइट्स में है, इसमें कन्वर्ट किया हुआ बाइट्स में है, तो डिफॉल्ट ये 30 MB है। तो आपने NGINX फाइल में जो अगर जो साइज आपने वहाँ पे इंटर किया है वो ही आप यहाँ पर करना है, लेकिन वो बाइट में करेंगे। तो उसको जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 30 MB की फाइल है तो उसको 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा KB में, और फिर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाइट में आ गया। तो ये तो वही है कि अगर आपने 60, 100 है तो उसको 1000 टू टाइम्स मल्टीप्लाई करके उतने बाइट्स में कन्वर्ट करके आप यहाँ पे उस साइज को यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और इसको मेंशन करने के बाद इसको चेंज कर देंगे और चेंज करके सेव कर देंगे। उसके बाद एक और लोकेशन होती है, फाइल की लोकेशन होती है जो कि वहां पे भी आपको चेंज करने होंगे। वो फाइल का लोकेशन जो है वो तीसरी फाइल है ये config.xml। इसमें भी हम सर्च कर लेते हैं अपलोड के नाम से। यस, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्स फाइल साइज, तो यहाँ पे 30 लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे भी चेंज कर लेंगे 30 के अलावा जो भी आपने साइज मेंशन कर रहा है पहले प्रीवियस फाइलों में वही साइज आप यहाँ पे टाइप करके इसको भी फाइल को चेंज कर लेंगे और चेंज करके सेव कर लेंगे। और bbb-conf-restart ये कमांड चला के बिग ब्लू बटन को एक बार रिस्टार्ट कर देंगे और फिर इफेक्टेड हो जाएगा। तो आप जो है प्रेजेंटेशन फाइल को इस तरह जो है साइज उसकी बढ़ा सकते हैं, डिफॉल्ट 30 MB से कहीं ज्यादा। और एक और चेंजेज हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चेंजेज हैं।
जब कोई भी यूजर कनेक्ट करता है तो एक हल्का सा कंफर्ट नॉइज आता है। आप ये चेंजेस करने की ज़रूरत है। आप कंफर्ट नॉइज को ऑफ करने का ऑप्शन होता है। अगर आपके इस इंस्टॉलेशन में अगर कंफर्ट नॉइज है तो ही आप चेंज करें, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर है तो उसको चेंज करने का मैं ऑप्शन बताता हूँ, कंफर्ट नॉइज को कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए ऑप्शन प्री स्विच कॉन्फ्रेंस ऑटो लोड कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ्रेंस conf.conf.xml इस फाइल में आ जाएंगे और इसको चेंज करेंगे। इसमें आप सर्च करेंगे कंफर्ट, कंफर्ट नॉइज। तो यहाँ पे कंफर्ट नॉइज जो है ट्रू है, और अगर कंफर्ट नॉइज है तो आप इसको यहाँ पे ट्रू की जगह पे और फॉल्स कर देंगे, और फॉल्स करके आप इस फाइल को सेव कर लेंगे। सेव करके और इस बिग ब्लू बटन को अब रिस्टार्ट कर देंगे। bbb.conf रिस्टार्ट से आप बिग ब्लू बटन को रिस्टार्ट कर देंगे तो इफेक्टेड हो जाएगी और कंफर्ट नॉइज रिमूव्ड हो जाएगा। एक और मेजर चेंजेज है जो अभी हमने पिछले अभी कुछ समय पहले मैंने एक अभी बताया है कि फाइल साइज को इंक्रीज करने का, प्रेजेंटेशन फाइल को इंक्रीज करने का, कि आप 30 MB बाई डिफॉल्ट 30 MB से बढ़ा के आप ज़्यादा कर सकते हैं। उसी तरह एक रिस्ट्रिक्शन और लगा हुआ है, वो है 200 पेजेज। जो भी PDF फाइल या पावर पॉइंट की फाइल जो है वो 200 पेजेस से ज़्यादा का अपलोड नहीं होगा। अगर 200 पेजेस से ज़्यादा है फाइल पेजेज हैं तो अपलोड नहीं होगा, भले ही साइज कम क्यों ना हो। तो उस चीज़ को भी ये लिमिटेशन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए आप बिग ब्लू बटन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आप आ जाएंगे। बिग ब्लू बटन कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये बात है, और यहाँ पे मैं चेंज करना होगा पेजेज नाम करके सर्च करेंगे, और यहाँ पे है मैक्स पेज नंबर 200। यहाँ पे मेंशन है कि डिफॉल्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेज अलाउड फॉर द अपलोड प्रेजेंटेशन डिफॉल्ट 100, डिफॉल्ट 100 है, मैक्सिमम 200 है। आप इस चीज को आप 200 से कहीं ज़्यादा कर सकते हैं, 2000 तक भी कर सकते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शन आप हटाना चाहें तो हटा के आप इस फाइल को सेव कर लेंगे, और सेव करके और बिग ब्लू बटन को रिस्टार्ट कर देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि bb-conf- रिस्टार्ट से इस कमांड से आप बिग ब्लू बटन को रिस्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह जो है आप 200 से ज़्यादा के पेज नंबर ऑफ पेजेस साइज को बढ़ा सकते हैं। और एक नेक्स्ट जो है मेजर ऑप्शन है जो कैमरे की बैंडविड्थ को कस्टमाइज करना। आप डिफाइन कर सकते हैं कि कैमरे की बैंडविड्थ को कि कितनी बैंडविड्थ तो कैमरे ले, क्योंकि कैमरा उसमें यूजर शेयर करते हैं तो काफ़ी बैंडविड्थ कंज्यूम होता है। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्वर जहाँ इंस्टॉल हो उसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जैसा कि बिग ब्लू बटन की डॉक्यूमेंटेशन में भी मेंशन है कि अगर प्रोडक्शन में है तो 100 MBPS से ज़्यादा हो, लेकिन अगर 100 MBPS नहीं है और कम है तो भी ये आप बिग ब्लू बटन बेस्ट है, आप यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ कस्टमाइजेशन करने होंगे, जैसे कि कैमरे की को की बैंडविड्थ को भी मिनिमाइज करके आप इसका यूज कर सकते हैं। तो
कैमरे की बैंडविड्थ को मिनिमाइज करने के लिए अब वी मोन करके एक ऐप टूल्स है, उसको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, एपीटी गेट इंस्टॉल वी मोन, इंटर, यस। यस, ये इंस्टॉल हो गया। उसके बाद एक फाइल है, ये फाइल है, मैं आपको इस लाइन में बताता हूँ। यस, यूजर शेयर, इस लोकेशन पे एक सेटिंग्स डॉट वाई एम एल फाइल होगी, वहाँ पे आप इसमें जाएंगे और इसमें सर्च करेंगे कैमरा प्रोफाइल। यस, ये कैमरा प्रोफाइल्स करके एक लाइन यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखा हुआ है, लिखा हुआ है नेम लो क्वालिटी। अब लो क्वालिटी पे 100 बिटरेट डिफाइन हुआ है, उसी तरह मीडियम पे 200 और हाई क्वालिटी पे 500 का डिफाइन किया हुआ है, और एचडी के हाई डिफिनिशन पे 800 डिफाइन हुआ है। तो यहाँ पे आप इन बिटरेट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं और चेंज करके इस फाइल को वो सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद pbb-conf.start। बिग ब्लू बटन को रिस्टार्ट कर देंगे। तो जो भी आपने बैंडविड्थ आपने कस्टमाइज किया है उसके हिसाब से ये सेट हो जाएगा, तो वो लिमिटेड आपकी बैंडविड्थ यूज करेगा अगर आपने कम कर रखा है तो। और ये मेरा लास्ट पॉइंट था बैंडविड्थ कम करने का कैमरे का। तो वैसे तो बिग ब्लू बटन में लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन अवेलेबल है, तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही कवर किया हूँ, और कुछ आगे भी मैं कवर करता रहूँगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी या आप कमेंट करते हैं कि और किसी चीज़ में पॉइंट पे आपको डाउट है तो आप मुझको कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। और आगे भी मैं इस बिग ब्लू बटन का जो सीरीज है कंटिन्यू रहेगा, और जो भी अगर कुछ मेजर माइनर्स चेंजेज आएंगे बिग ब्लू बटन में या कुछ नए अपडेट्स इसमें आते हैं तो हम ज़रूर आपको कन्वे करेंगे, आपको इस पे बताने की कोशिश करूँगा। तो आप अगर ये वीडियो या ये वीडियो सीरीज अच्छा लगा हो बिग ब्लू बटन का, तो हमारी वीडियो और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको नए नए सीरीज की वीडियो आपको पता चलते रहे और आप मुझको फीडबैक दे सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द आईटी सेशन लाइव।